करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भले ही छोटा सा है, दो लाइन का है, इसमें बहुत बड़ा बात क्या है छुपा हुआ है जो हम सबके जीवन के लिए है। कहते कि मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, सिर्फ उसको ही नहीं लेकिन जो इस वचन को पढ़ते हैं एक दूसरे को, हम सबके लिए। वो कहता कि दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, और सचमुच में वो देख रहे हैं कि जो उसका बर्थडे है, जो उत्तम बाबू है, उन परमेश्वर ने उसको जन्म से लेकर क्या क्या है संभाल कर रखा है। हालेलुया, और बहुत सारी आशीषों को देकर रखा है और सिर्फ दीर्घ आयु से क्या किया है तृप्त किया है। आज बहुत सारे लोग जो इनके जैसे थे आज वो संसार में नहीं है, उन्होंने जीवन को खो दिया लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है और भला चंगा रखा है। और आप सब लोग देखते हैं कितना वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी क्या करना है, मजबूत होना है, भला चंगा रखना है अपने आप को, क्योंकि शरीर दुर्बल रहेगा तो हम प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे। थका हुआ शरीर रहेगा और चलो प्रार्थना करने बोलेंगे तो क्या मन करेगा, हमें नहीं मन करेगा, हमें सो जाने का मन, आराम करने का मन करेगा। तो वैसे ही हमें शरीर को भी क्या करना है, हिस्पुष्ट रखना है। हालेलुया, और आत्मिक रूप से भी हमें क्या करना है, मजबूत करना है। तो जब शरीर ठीक रहेगा तभी हमें प्रभु के निकट आने का मन भी करेगा, और जब हम प्रभु के निकट रहेंगे तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। हालेलुया। ये सब चीज कैसे होता है, क्योंकि यहोवा जो है हमें चराता है, वो दिन और रात हमारी क्या करता है, रखवाली करता है। तो ठीक है, आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। हम सारे लोग मिलकर ताली बजाते हुए उस महान परमेश्वर को क्या करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। आज ना सिर्फ उन्हीं को संभाला बल्कि हम सभी को क्या किया है, संभाल कर रखा है, हम सभी को जीवित रखा है। भले हम बीमार थे, तकलीफ में थे, तभी परमेश्वर ने आज हमें क्या किया, हमारे श्वास को रोका नहीं। हम पाप में थे, बुराई भी किए, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, हमें और आपसे क्या किया है, प्रेम किया है। इसलिए हमें परमेश्वर को हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत के द्वारा प्रभु को क्या करते हैं, महिमा देते हैं। तो ये समय है कि हम एक साथ मिलकर, अकेले गाना और साथ में मिलके गाना दोनों में अंतर है। जब एक साथ में गाते तो बहुत ज्यादा खुशी और आनंद मिलता है, मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। ठीक है, चलिए हम एक साथ मिलकर गीत को गाएंगे। चरवाहा मोर यहोवा, रखवाला मोर यहोवा, चरवाहा मोर यहोवा, रखवाला मोर यहोवा, कमी नहीं
परमेश्वर क्या करता है, वो हमें आने जाने में क्या करता है, रक्षा करता है। हम सब लोग यहाँ वहाँ से क्या किए हैं, आए हुए हैं। इस कोरोना काल में भी परमेश्वर ने हम हर एक को क्या किया है, संभाला है, वो हमें चलाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी समय जो है, आज हम जीवित है तो किस उद्देश्य से जीवित है, तो आज हमें परमेश्वर ने जीवित इसलिए रखा कि हम उसकी क्या करें, महिमा करें। ये ना कि हम मनमानी जीवन जिए, अभी मौज मस्ती करें, इसलिए परमेश्वर ने ये जीवन नहीं दिया, बल्कि इस जीवन से क्या करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, खुश करें। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ क्या करें, उठा लिए जाए। सिर्फ हम गीत ही ना गाते रहे कि यीशु मसीह आए और हमें ले जाए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, एक फिर से गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रार्थना करके यीशु से मिलना, प्रार्थना करके यीशु से मिलना, यीशु दुनिया में यीशु से मिलेंगे, यीशु दुनिया पिछले दिन मैं सिमडेगा शूटिंग के काम से गई हुई थी और उस जगह पे मुझे परमेश्वर ने एक सुंदर फैमिली से मिलाया और वहाँ मुझे दो दिन रुकने का मौका मिला और इस बीच मैंने परमेश्वर की संगति को भी उस जगह पे महसूस किया
कि परिवार में सचमुच परमेश्वर का प्रेम है, और जो परिवार की जो मम्मी है वो भी बहुत बोझ के साथ वो प्रेयर करती है अपने बच्चों के लिए, और बहुत सारे विषयों के लिए भी वो प्रेयर करती है। और मुझे इनके साथ रहकर बहुत ही अच्छा लगा, और इन दो दिनों में मैंने बहुत सारी गवाहियों को भी मम्मी के द्वारा सुना, और मुझे बहुत ही आशीष मिला, और मुझे भी उस जगह पे परमेश्वर की सेवा करने के लिए अवसर मिला। और उस दिन फर्स्ट दिन ये जो उत्तम है, उत्तम बाबू, उसका बर्थडे था, और उस अवसर पे मुझे भी मौका मिला। सो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।